छपरौली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास बनवाने से वंचित रहे लोगों के लिए छपरौली और टीगरी कस्बे में शिविर लगाई गई। इन शिविरों में लगभग 700 लोगों ने आवेदन जमा किए। उधर छपरौली विधायक ने चौगामा क्षेत्र में 3 मार्गों का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास लेने से वंचित रह गए लोगों के लिए बुधवार को टीकरी और छपरौली जिसमें आवास लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान छपरौली विधायक सेंदर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जन कल्याणकारी योजना है, इसके तहत गरीब लोगों का आवास पाने का सपना पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे डूडा के अधिकारी रंजीत पंडित जी मेरे साथ में हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जन जन तक, जरूरतमंद तक, गरीबों तक योजना को पहुंचाने का, पात्रता को पात्र लाभ देने के लिए हम इस अभियान को एक कस्बों में इसका कैंप लगा करके, ताकि गरीब को किसी अधिकारी के, किसी जनप्रतिनिधि के पीछे ना घूमना पड़े और ये अधिकारी के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से उन गरीबों तक, उन पात्रों तक इसका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। इसके बीच में किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश ना रहे और गरीबों को उनका लाभ मिल सके। डूडा परियोजना अधिकारी रंजनी पुंडीर ने बताया कि पात्र लोग 15 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस दौरान वीडियो राजीव शर्मा, एडीओ कृष्ण पाल मान आदि मौजूद। 2.5 लाख तक की योजना है। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का है, सेकंड 150 का और लास्ट भी 50 का। कुल मिलाकर 2.5 लाख की योजना है और ये हर लेवल पर इस पर जियोटैग होता है, फोटोग्राफ्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है। 50,000 के बाद बेनिफिशियरी को अपना फाउंडेशन कर लेना है, सेकंड किस्त आने के बाद उसको लेंटर डाल लेना है, और जब कंप्लीट मकान हो जाए, जो नया जियो आया है उस जियो को अकॉर्डिंग थर्ड किस्त हम तब दे पा रहे हैं जब वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। मैम, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी आखिरी तारीख कितनी? इसकी आखिरी तारीख तो अभी हमारी, वैसे तो अनलिमिटेड DPR भेज सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास भेजना है वो हमें 20 तक भेजना है, और उसके पहले मेरे पास 15 या 16 तक पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड बेनिफिशियरीज के दोनों का चाहिए, फैमिली अटैचमेंट के लिए भी, हस्बैंड वाइफ दोनों का हो, दोनों के होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और लैंड प्रूफ सबसे मेन, और बैंक की पासबुक जिस अकाउंट, जो आधार कार्ड से अटैच हो। मैम, क्या मानक है मकान बनाने के लिए जो आदमी अप्लाई करता है? अप्लाई करने के लिए एक तो 3 लाख से नीचे की उसकी इनकम होनी चाहिए, दूसरा कच्चा मकान, टूटी हुई कड़ी, ये उनके लिए, इतने गरीब लोगों के लिए जो किसी वजह से जिनकी इनकम बहुत कम है, जो मकान बनाने का सपना देखते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, उनके लिए योजना है कि कड़ी वाली छत ना रहे। प्रधानमंत्री का सपना ये कि सबको पक्की छत मिले, तो कड़ी वाली कच्ची छत, कच्चे मकानों को तोड़ करके पक्के मकान बनवाना। मैम, चुनाव से पहले जिन लोगों की किस्त रुक गई, उनके लेंटर नहीं डले, बिल्डिंग बनकर तैयार है, तो उस किस्त के बारे में? वो किस्त अभी बहुत जल्दी रिलीज होने जा रही है, क्योंकि सबका हमने PP जनरेट गवर्नमेंट पे सूडा के पोर्टल पे कर दिया और वहाँ से वो किस्त रिलीज होनी है और विद इन नेक्स्ट वीक तक शायद रिलीज हो जाएंगी। उधर शिविर में ही विधायक ने पीड़ित लोगों की समस्याएं भी सुनी और सरकार की योजनाओं का समय से लाभ उठाने की अपील की। विधायक ने टिगरी कस्बे में 2 व दोगट में 1 मार्ग का लोकार्पण भी किया। मैडम, उन्होंने बताया कि अगर कोई संबंधित अधिकारी रिश्वत मांगता है तो उसकी सूचना उनको गोपनीय तरीके से दी जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं टीकरी की बात करूं और डूडा से आपने पूछा, मैंने 2 सड़कें अभी डूडा से बनवाई हैं जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है। एक टीकरी कस्बा के बाहर माता वैष्णो देवी मंदिर है, 18 लाख मैंने वहाँ विधायक निधि से बनवाया। टीकरी कस्बा से लेकर मुजफ्फरनगर सीमा तक 34 लाख रुपए का रास्ता मैंने वहाँ पे बनवाया।